नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशियो LLP जयपुर से। आज बहुत दिनों के बाद हम एक वीडियो बनाना जा रहे हैं जो कि हमारी बुक रिव्यू सीरीज़ को बिलोंग करता है। और आज हम जो एक बुक को रिव्यू कर रहे हैं वो बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कैनमैन। ठीक है, तो ये जो किताब है, ये जो भी लोग मार्केट की साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, शेयर बाजार में साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। जो जनरल लाइफ में साइकोलॉजी को लेके इंटरेस्टेड है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये किताब यूज़फुल है। हम चालू करते हैं कि इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हमारे लिए है एज ए ट्रेडर और एज ए फाइनेंस में काम जो हम करते हैं उसमें हमें कैसे हेल्प मिल सकती है। जो डेनियल कैनमैन हैं, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में काफ़ी ब्रेक थ्रू काम किया, जिसके लिए इन्हें नोबल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया इकोनॉमिक्स में। चूँकि ये थे साइकोलॉजी के प्रोफेसर, लेकिन इन्होंने काम जो अप्लाई साइकोलॉजी को किया इकोनॉमिक्स में किया, तो इन्हें नोबल लॉरेट हैं ये इकोनॉमिक्स में। इनके एक फ्रेंड हैं एमोस, थे यानी वो तो रहे नहीं और अभी ये हैं। तो इन दोनों ने मिलके प्रोस्पेक्ट थ्योरी करके एक बहुत बड़ी थ्योरी दी थी जो कि शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और उसके लिए इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बुक है, इसमें काफ़ी आपको लर्निंग सीखने को मिलेगी। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक इफ़ेक्ट जो इन्होंने बताया है, डेनियल कैनमैन ने एंकरिंग इफेक्ट बताया। तो ये एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। हमारे माइंड के दो रिप्रेजेंटेशन इसमें डेनियल ने माने हैं, एक होता है सिस्टम वन, एक होता है सिस्टम टू। सिस्टम वन कौन सा होता है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस माइंड होता है, और सिस्टम टू क्या होता है, हमारा थिंकिंग माइंड होता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में बीच में कहीं कोई दीवार लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने हमारे समझने के लिए थ्योरेटिकली हमने दो स्वरूप हमारे दिमाग के मान लिए, सिस्टम वन एंड सिस्टम टू। तो ये सिस्टम वन कहाँ पे काम आता है, जब भी हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हमें सिस्टम वन हम काम में ले रहे हैं। ठीक है, हम अगर एकदम से किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा दें और हमारा हाथ पीछे से आता है, पीछे होता है, वो जो रिएक्शन है वो सिस्टम वन कंट्रोल कर रहा है। यानी जितने भी स्पॉन्टेनियस जो भी काम कर रहे हैं, जो कि 99% हम हमारी लाइफ में काम करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, तो उसमें हम सिस्टम वन को हम यूज़ करते हैं। सिस्टम टू थिंकिंग माइंड हमारा कैसे यूज़ आता है, लेट्स से कि मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 × 3 × 4.62 × 5.10 × 6.05 कितना हुआ। ठीक है, तो अब आपका जो सिस्टम वन है वो इसका आंसर स्पॉन्टेनियसली नहीं दे पाएगा मैक्सिमम लोगों का। मैं आइंस्टीन की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोगों का जो है वो नहीं दे पाएगा। तो उन्हें हमें हमारे थिंकिंग माइंड को, अपने थिंकिंग माइंड को यूज़ करना पड़ेगा। यानी सिस्टम वन को जब आपने अपने दिमाग को ये क्वेरी दी, तो सबसे पहले सिस्टम वन इसे ट्राई करेगा सॉल्व करने की, वो उसके बस की नहीं होगी क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस माइंड है, तो वो इसे पास ओवर कर देगा सिस्टम टू को। अब सिस्टम टू थिंकिंग माइंड, अब जब पेपर पेन लेके आप बैठेंगे और आप इसके लिखेंगे, तो आप इसका आंसर कुछ देर के बाद देने में सक्षम होंगे। यानी यहाँ पर आपने अपना थिंकिंग माइंड को, यानी सिस्टम टू को यूज़ किया। तो इस पूरी किताब में ये बताया है कि सिस्टम वन और सिस्टम टू कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन सा माइंड कहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो जनरली हम ये देखा है कि 99% हम हमारी लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहते हैं, और जो भी हम काम करते हैं उसमें सिस्टम वन बहुत यूज़ आता है। लेकिन कई ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो हैं जहाँ पे सिस्टम वन बायस हो जाता है और हमें गलत डिसीजन मेकिंग करा देता है। तो ऐसे जो गलत डिसीजन मेकिंग होती हैं, वो पॉइंट्स डेनियल कैनमैन ने और अमोस ने डिस्टिंग्विश किए और हमें बताए। तो उसका एक एग्जांपल हो गया एंकरिंग। तो एंकरिंग को हम कैसे समझ सकते हैं, कि आप ऐसे समझिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए और आप उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और वहाँ पे आपको बहुत लजीज खाना मिला और बहुत अच्छे से आपको खाने को सर्व किया गया, और आपका जब डिनर पूरा हो गया तो उसके बाद वेटर आपसे टिप लेने के लिए आता है। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप कोशिश करिए कि आप उसका स्पॉन्टेनियस आंसर दें, तो जिससे आपके लिए बहुत इंटरेक्टिव रहेगा और आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट केस है कि वो वेटर आपके पास आता है और आपके पास
टिप लेने को आता है और आपके आगे प्लेट करता है और आपको उसमें टिप देनी है, राइट। फर्स्ट केस ये है कि उसकी जो थाली में है 100 रुपये पड़े हुए हैं। दूसरा केस है कि उसकी थाली में 1 रुपये पड़े हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, दोनों केस में आप क्या टिप देंगे? 1, 2, 3, 4, 5। आशा करता हूँ कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। ज़्यादातर ये देखा गया, डैनियल और अमोस ने ये इसको फाइनलाइज़ किया कि जो भी टिप देगा वो उस थाली में जो नोट रखा है, जो पैसे रखे हैं उसके रिलेटिव देगा। यानी 100 रुपीज़ का जब नोट रखा है तो वो आदमी हो सकता है 10 रुपये दे दे, 15 रुपये दे दे, लेकिन वो ही सेम आदमी अगर 100 रुपीज़ का उधर नोट नहीं होता और 1 रुपये का कॉइन होता तो हो सकता है टिप देता ही नहीं, या हो सकता है 1 रुपये देता, हो सकता है 98 पैसे देता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों केस में अगर हम थ्योरेटिकली देख लें और आदमी को हम रेशनल मानते हैं तो उसकी टिप इररिस्पेक्टिव होनी चाहिए थी उस 100 रुपये और उस 1 रुपये से। उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही केस में उसने सेम खाना खाया, सेम सर्विस मिली, सब कुछ उसे सेम मिला, लेकिन उसका बिहेवियर जो सिस्टम वन था वो बायस्ड हो गया टिप देते वक्त रिलेटिव टू कि उस थाली में कितने रुपए रखे हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं कि वो जो थाली में नोट रखा हुआ था या कॉइन रखा हुआ था उसने एंकरिंग इफेक्ट किया किसके डिसीजन में, जो भी वहाँ पे आदमी डिनर लेने आया था, ठीक है। तो यही एंकरिंग इफेक्ट हमें शेयर बाजार में भी देखने को मिलता है। तो हम शेयर बाजार का उसमें कैसा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपने कभी ये सोचा होगा कि एक स्टॉक है जो 5 रुपये का भी है, वो 500 रुपये भी ट्रेड हो जाता है और 500 से 1000 रुपये भी ट्रेड हो जाता है और वो 1000 से वापस 2 रुपये भी आ जाता है। यानी हर लेवल पे बायर सेलर हैं और कोई लिमिट जो है, हम मानते हैं ये स्टॉक 2 का 20 रुपये हो जाएगा, उसको भी तोड़ के वो 100 रुपये हो जाता है। इसमें भी एंकरिंग काम करती है। कैसे काम करती है? हम मान लेते हैं कोई स्टॉक है ABC लिमिटेड। अब इस ABC लिमिटेड का फर्स्ट कोट, जिस दिन ये कोट हुआ स्टॉक मार्केट में, 100 रुपये कोट था और केवल 2 या 3 ट्रेडर्स ही थे जो इनको ट्रेड करते थे। अब उन दोनों तीनों ट्रेडर ने, कभी कोई बाय करता था कभी कोई सेल करता था, उन्होंने ट्रेड कर करके इस 100 रुपये के स्टॉक को 200 रुपये तक ले गए। 200 रुपये पे जो भी उन 3 ट्रेडर्स में मेजर बायर था उसने ये देखा कि यार अब ये 100 का डबल हो गया है, अब मैं इसमें काम नहीं करूँगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये इस पे वो अराइव कैसे हुआ? रिलेटिव टू 100 अराइव हुआ, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का जो कोट उसने अपनी लाइफ में देखा है उसने एंकरिंग की और उसने उसे ये बोला कि ये 200 रुपये ज़्यादा हो गया, तो इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि वो तीनों ट्रेडर तो बाहर हो गए, उन्होंने इसमें काम करना छोड़ दिया, फ्रेश 3 ट्रेडर हुए जो बाजार में अभी अभी आए थे और उन्होंने ABC लिमिटेड को स्क्रिप्ट में 200 रुपये ही ट्रेड होते देखा, उससे नीचे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। अब वो 200 रुपये से हो सकता है कि 400 रुपये तक उसे ट्रेड करते करते ले गए, 400 पे आके वो भी थकार जाएंगे, वो भी बोलेंगे कि नहीं यार अभी बहुत ज़्यादा डाइसी मामला हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कभी भी करेक्ट हो सकता है, और वो भी इसे छोड़ देंगे। तो उन्हें 400 रुपये क्यों हाई लगा? रिलेटेड टू 200, यानी वापस से एंकरिंग हो गई। इस तरह से एंकरिंग होते हुए नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर जुड़ते रहते हैं और एक स्टॉक ऊपर की तरफ भी कहीं पे चले जाता है और बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे में भी कहीं पे भी आ सकता है। तो ये एंकरिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है जो आप शेयर बाजार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम एक इफेक्ट और इसमें डैनियल ने बात की, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट का जनरली मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास है जिसे हम चेरिश करते हैं, हमें हेरिटेज में मिली है, जिसकी हम वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल कैसे है? उसका एग्जांपल इस तरह से समझाया गया है। सपोज कर लीजिए कि जॉनी वॉकर की जो विस्की है, उस विस्की की हम एक मान लेते हैं कि 5000 रुपीज़ में एक बॉटल आदमी मार्केट से परचेज कर सकता है, राइट। तो अगर आपके पास जॉनी वॉकर की कोई बॉटल है, ठीक, और मैं आपसे उसे लेने आता हूँ, तो बट ऑब्वियस है आपने उसे अगर 5000 में खरीदी है तो आप 5100 या 4900 या इसी के आसपास के भाव में मेरे को ये सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा सेम आपके पास जॉनी वॉकर है और मैं उसे खरीदने आ रहा हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जॉनी वॉकर है ये आपके परदादा ने दादा को दी, दादा ने बाऊजी को दी और बाऊजी ने आपको दी, तो इस केस में ये 5000 की बॉटल है तो हो सकता है आप मेरे को 50000 में भी ना दें, हो सकता है 1 लाख में भी ना दें, लेकिन दोनों केसेस में वाइन सेम है, टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, हम ये मान रहे हैं सब कुछ सेम है, फिर भी
वो सेकंड केस में एंडोमेंट इफेक्ट हो गया, आपके लिए उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसकी प्राइस मेरे से बहुत ज़्यादा मांगी, जबकि प्राइस होनी चाहिए थी 5000 के आसपास ही। तो इसको हम एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं। ये हमें शेयर बाजार में कैसे देखने को मिलता है, TCS ने अभी कुछ दिनों पहले बायबैक किया था, ठीक है, तो TCS ने जब बायबैक किया तो मान लेते हैं कि 2200 रुपये में TCS के प्रमोटर्स पब्लिक से बायबैक कर रहे थे, जबकि TCS का स्टॉक 2000 रुपये चल रहा था। आप इमेजिन कीजिए स्टॉक TCS का, वही सेम केस मान लेते हैं कि आपके दादा के पास था, दादा से आपके पास चलते हुए आया, ठीक है, और ये स्टॉक आपने जो आपकी बाइंग रही होगी वो 500-600 रुपीस रही होगी अगर इतने पहले आपने बाय किया, तो इस केस में क्या आप उसको 2200 रुपये में दे देते ये स्टॉक, पहला। दूसरा हम मान लेते हैं केस कि ये स्टॉक आपने जस्ट बाय किया है अभी 2000 रुपये में, बाजार से बाय किया है, और अब वो 2200 रुपये में मांग रहा है, तो इसमें भी एंडोमेंट इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जैसे कि आप फर्स्ट केस में थे, वो प्रमोटर्स को ये 2000 का स्टॉक 2200 रुपये में भी नहीं देंगे, ठीक है, जबकि उनको इसमें 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वही सेम इन्वेस्टर अगर उसे ये अपने हेरिटेज में नहीं मिला होता ये स्टॉक, और उसने अभी मार्केट में एक दो दिन में ही बाय किया होता 2000 रुपये, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि मेरे को तो ये 200 रुपये ऊपर प्रमोटर बायबैक कर रहा है, मेरे से ले रहा है, और मेरे को 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वो सेम इन्वेस्टर उसको वहाँ पे वो प्रमोटर को दे देता। यानी फर्स्ट केस में एंडोमेंट इफेक्ट के कारण वो उसको 2200 रुपये में नहीं देता और सेकंड केस में दे देता, जबकि दोनों केस में उसे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है, तो इसे भी हम एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं, और ये हमारे शेयर बाजार में बहुत हमें देखने को मिलता है, अलग अलग सिनेरियोज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कई लोगों को जिनको लॉसेस खाने की आदत हो जाती है या प्रॉफिट बनाने की भी शायद आदत हो जाती है, लेकिन जिनको लॉसेस बनाने की आदत हो जाती है, कोई स्टॉक मुद्दत से पड़ा हुआ है और वहाँ पे उन्होंने लिया था 100 रुपये में और 100 रुपये के मुकाबले वो अभी चल रहा है 20-25 रुपये, तो पहले तो एंकरिंग इफेक्ट होता है उसमें, वो बोलता है नहीं भाई ये तो बहुत नीचे चल रहा है। अरे भाई बहुत नीचे कहाँ चल रहा है, तुमने जब लिए थे जब इसके फंडामेंटल शायद ऐसे थे कि वो 100 रुपये जस्टिफाई करता था, लेकिन आज की तारीख में वो 20 रुपये, तो वी आर डूइंग मिस्टेक इफ़ वी आर कंपेयरिंग इट विथ 100 रुपीज़, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा तुम्हारी बाइंग प्राइस का, आज की तारीख में वो 20 रुपये है, तो उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए। तो एक ये इसमें भी एंकरिंग इफेक्ट जो मैंने पहले बताया था हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक तीसरा उन्होंने बताया था लिंडा इफेक्ट हम कहते हैं जिसे, लेस इज मोर, यानी कम ज्यादा होता है, ठीक है। जनरली हम क्या मानते हैं, जनरली हम ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा हमें नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा हम अच्छा डिसीजन मेकिंग करेंगे, लेकिन अमोस और डेनियल ने ये निष्कर्ष निकाला कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने से हम डिसीजन बहुत गलत कर सकते हैं और उसकी जो वैलिडिटी होती है डिसीजन की वो कम हो सकती है। यानी हमें लेस भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे पहले एक नॉर्मल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 10 लोग हैं जो कि एक रूम में हमारे पास बैठे हुए हैं और हम रूम के बाहर से किसी भी एक आदमी को कॉल करेंगे और हमें ये निकालना है कि वो रैंडमली जो आदमी को हम कॉल कर रहे हैं, मान लेते हैं उसका नाम आलोक होगा, ये तो हमें पता नहीं हो सकता रैंडमली कॉल कर रहे हैं, तो रैंडमली हम जब भी कॉल कर रहे हैं तो हमें ये निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आदमी टाइपिस्ट भी हो और पोएट भी हो, ठीक है। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी क्या संभावना होगी। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, फर्स्ट केस में हमें गिवन है कि अंदर जो 10 लोग बैठे हुए हैं उनमें से 5 ऐसे लोग हैं जो कि टाइपिस्ट हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट केस की इन्फॉर्मेशन पता है और आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि रैंडमली कोई भी आदमी को मैं रूम से बाहर बुलाता हूँ और वो टाइपिस्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी, यानी 5/10, 5 फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट्स, यानी 10 टोटल सैंपल स्पेस जो भी अपन उसे बोलें, 5/10, ठीक है। दूसरा सीन ऐसा है कि उसमें से 3 लोग हमें पता है कि पोएट हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं रेंडमली किसी आदमी को बाहर निकालता हूं तो ये संभावना, ये प्रोबेबिलिटी कि वो पोएट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
3/10, ठीक है। तो दोनों केस हमारे पास आ गए। अब तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन वो ये रहेगा कि अगर हम रैंडमली किसी आदमी को पिक करते हैं, वो पोएट भी हो और टाइपिस्ट भी हो, राइट। अगर हम हमारी सैंपल स्पेस को देखते हैं तो हमने देखा कि 5 तो टाइपिस्ट थे और 3 पोएट्स थे। इसको फर्दर अगर हम एनालिसिस करते हैं और हम मान लेते हैं ये हमें गिवन है, तो हमें मिलेगा जनरली कि 2 ऐसे लोग हैं जो कि टाइपिस्ट भी है और पोएट भी हैं, ठीक है। तो अगर हम रेंडमली अब पिक करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/10, ठीक है। तो ये जो 2/10 प्रोबेबिलिटी है, इंडिविजुअली 3/10 से भी कम है और 5/10 से भी कम है, ठीक है। यानी हमारे पास जब 2 इन्फॉर्मेशन थी कि ये एक पर्टिकुलर आदमी पोएट भी हो और टाइपराइटर भी हो, तो उसकी संभावना कम हो गई कि हमें ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन में हमें मिलेगा जब हम रेंडमली कॉल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास लेस इन्फॉर्मेशन हो कि हमें केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन हो और हमें इतना सा ही चाहिए हो कि वो आदमी केवल पोएट हो, केवल हमें यही चीज़ अगर हमें चाहिए हो, तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 3/10, और केवल टाइपिस्ट हो तो उसकी 5/10, यानी वो जो होगी संभावना बढ़ जाएगी। यानी हमारे पास जब हमारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हुई तो हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं, हम जो चीज़ की आशा कर रहे हैं, उसकी संभावना कम हो जाएगी। इस केस में हमारी आशा क्या है कि वो सेम आदमी टाइपिस्ट भी हो और पोएट भी हो, तो उसकी संभावना कम हो जाएगी अगर हम दोनों चीज़ चाहते हैं। अगर एक चीज़ चाहते हैं तो उसकी संभावना रिलेटिवली बढ़ जाएगी। तो जनरली हम कभी भी मैनुअल ट्रेडिंग, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, मैनुअल करें, मैकेनिकल करें, कुछ भी रूल्स हम हमारे ट्रेडिंग के बनाएं, तो अगर हम जितने ज़्यादा रूल्स बनाएंगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा हमारा वो जो सिस्टम होगा उतना ज़्यादा वो फ्रेजाइल हो जाएगा। उसकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो सक्सेस की प्रॉफिटेबिलिटी की जो उसकी गुंजाइश है ओवरऑल लॉन्ग रन में, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे बोलते हैं कि लेस इज मोर। जितने ज़्यादा आप कम रूल्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम अच्छी तरह से काम करने की उसमें रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम फाइनल जो पॉइंट लेते हैं वो प्रोस्पेक्ट थ्योरी का लेते हैं, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। प्रोस्पेक्ट थ्योरी से पहले जो थ्योरी चलती थी वो ये मानती है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क अवर्जन होते हैं। रिस्क अवर्जन का मतलब क्या है, आप कोई भी 2 प्रोस्पेक्ट मान लीजिए आपके पास TCS है और इन्फोसिस है। आप ये मान लेते हैं कि TCS मेरे को 5% का रिटर्न देगा और इन्फोसिस भी मेरे को 5% का रिटर्न दे सकता है आने वाले 1 महीने में। लेकिन TCS में मेरे को 2% घाटा लगने की संभावना है और इन्फोसिस में मेरे को 1% घाटा लगने की संभावना है, ये आपको पता है, हम मान लेते हैं। तो दोनों केसेस में आपको दोनों 5% का प्रॉफिट देंगे, लेकिन इन्फोसिस 1% का घाटा दे रहा है, TCS आपको 2% का देंगे, तो आप कौन सा चूज करेंगे। अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको फटाफट आंसर देना है, और इसका आंसर जो जनरली आएगा, जो आपने अभी चूज किया होगा, वो आया हुआ इन्फोसिस। ऐसे जितने भी इन्वेस्टर है जो इस क्वेश्चन में के आंसर में इन्फोसिस को सेलेक्ट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके लिए मैं कम से कम रिलेटिव रिस्क लेना चाहूंगा। यानी पर यूनिट जो मेरी रिस्क है उसके लिए मेरे को मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, या मेरी पर यूनिट रिटर्न के लिए मेरे को मिनिमम रिस्क मैं लेना चाहूँगा। तो इस केस में मैं देखूँगा कि मैंने 1 यूनिट के लिए इन्फोसिस में कितनी रिस्क ली, मेरे का रिटर्न था 5/1%, यानी 1% रिस्क के लिए मेरे को 5% का रिटर्न इन्फोसिस में मिल रहा है। सेम 1% के लिए रिटर्न के लिए TCS मेरे को मात्र 2.5% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं इन्फोसिस को सिलेक्ट करूँगा, इसको हम कहते हैं रिस्क अवर्जन। डैनियल ने ये पता किया कि ये रिस्क अवर्जन इतना आसान नहीं होता और जनरली लोग रिस्क को इस तरह से नहीं देखते, वो रिस्क को 2 हिस्सों में देखते हैं, प्रॉफिट में और लॉस में। तो इसका हम एग्जांपल से कैसे समझेंगे, इसका शेयर बाजार का ही बड़ा टिपिकल हम एग्जांपल लेते हैं। आप कोई स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं और बाजार में 3:25 हो गए हैं, केवल 5 मिनट है 3:30 बजने में और बाजार बंद करने में। आपने आज इस बाजार की शुरुआत में आज TCS को 2000 रुपये में ख़रीदा था और 3:25 पे ये 2100 रुपये चल रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को इसको बेचना है या इसको मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है। जो भी आपका आंसर है आप तुरंत अभी लिख लें। ये आपका फर्स्ट केस आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा सिनेरियो, उसका भी आंसर आप तुरंत लिखें कि सुबह वही आपने TCS 2000 में बाय किया था, लेकिन उसका जो अभी है वो 1700 रुपये चल रहा है 3:25 पे।
अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर है आप लिख लें। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है डेनियल और अमोस ने किया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके उन्होंने एग्जांपल किया। जनरली पे जो आम तौर पे लोग करते हैं वो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। जो उन्होंने 2000 पे लिया है वो चीज़ उन्हें 100 रुपये ऊपर बेचने को मिल रही है तो वो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को आज बुक करना चाहेंगे। वो उनके दिमाग कैसे काम करेगा, साइकोलॉजी, क्या पता कल ये घट जाए और मेरा प्रॉफिट कम हो जाए या मेरा प्रॉफिट ही वाइप आउट हो जाए। यानी उन्हें एक अनसर्टेन सिचुएशन में जाना है टुमारो, तो उन्होंने उस अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं किया, उस रिस्क को लेना पसंद नहीं किया और उन्होंने सर्टेनिटी को फेवर किया कि मैं अभी इसे काट के सर्टेन हो जाता हूँ। यानी उन्होंने अनसर्टेनिटी के बजाय सर्टेनिटी को प्रीफर किया जब वो प्रॉफिट में थे। लेकिन ये ही सेम आदमी जब 2000 का 1700 TCS हो गया और इससे ये पूछा गया या इसे कहने को गया, तो इसने क्या करा, उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया 3:25 में और ये बोला कि मैं इसको कल लेके जाऊँगा। इसमें उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करे, उसकी ये रहेगी, वो होपफुल रहेगा कि मेरा हो सकता है कि कल मेरा ये लॉस कवर हो जाए, मैं प्रॉफिट में आ जाऊं या मेरा अभी जितना लॉस है उसके कंपैरेटिवली मैं और बेटर पोजीशन में आ जाऊं, उसके दिमाग में ये रहेगा। यानी जब उसकी 3:25 पे पोजीशन लॉस की थी तो उसे ये कहा गया कि कल की अनसर्टेनिटी तुम्हें देखनी है, तो उसने उसे देखना पसंद किया जबकि उसके पास एक ऑप्शन था। वो जैसे उसने प्रॉफिट बुक किया और सर्टेन हो गया, उसी तरह से वो अभी अपना 300 का लॉस भी बुक करके सर्टेन हो सकता था, लेकिन उसने लॉस में सर्टेनिटी पसंद नहीं की, लॉसेस को कट करना पसंद नहीं किया और अनसर्टेनिटी को चूज किया, लेकिन प्रॉफिट में उसने अनसर्टेनिटी को चूज नहीं किया। यानी हम ये बोलेंगे कि जब इन्वेस्टर प्रॉफिट में होता है और लॉस में होता है तो उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। प्रॉफिट में जब होता है इन्वेस्टर तो वो रिस्क को पसंद नहीं करता, रिस्क लेना पसंद नहीं करता, वो अपने प्रॉफिट्स को जल्दी से जल्दी बुक करना चाहता है। यानी वो रिस्क अवर्स हो जाता है जब वो प्रॉफिट में होता है, लेकिन जब लॉस में होता है तो वो रिस्क सीकिंग हो जाता है। राइट, वो रिस्क सीकिंग कैसे हो जाता है, वो अगले दिन गैम्बल खेलने को तैयार है, अगले दिन की अनसर्टेनिटी वापस करने को तैयार है। हो सकता है कि जो अभी उसे 300 का लॉस है कल 500 हो जाए, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट, वो रिस्क लेने को तैयार है, वो उस अनसर्टेनिटी को प्ले करने के तैयार है, यानी वो रिस्क सीकिंग हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस थ्योरी से उन्होंने निकल के आई कि लॉसेस में जनरली लोग रिस्क सीकिंग हो जाते हैं। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड थ्योरी क्या बोलती है कि इन दोनों सिचुएशन में एक रेशनल इन्वेस्टर को सेम बिहेव करना चाहिए था और रिस्क अवर्जन उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा रिस्क अवर्जन वो केवल प्रॉफिट में था, लॉस में वो रिस्क सीकिंग बन गया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसका एक जनरली जो ज्ञान हम मुद्दतों से बाजार में देखते हुए आए हैं कि जब भी हमारे लॉसेज होते हैं तो हम क्या होते हैं, होपफुल हो जाते हैं, और जो हमारे प्रॉफिट होते हैं तो हम क्या होते हैं, फियरफुल हो जाते हैं। तो ये सेम चीज़ उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समझाई। इसका एक चीज़ और होती है जो कि आपको बड़ा इसमें सीखने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं कि 1 रुपी का जो लॉस होता है वो ज़्यादा दर्द देता है, वो ज़्यादा पेन देता है 1 रुपी के गेन के कंपेरिजन में। इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको ये समझा जा सकता है कि अगर मैंने 1 रुपये का जो गेन दिया है तो मेरे को जो हैप्पीनेस होती है वो बहुत कम होती है अगर सेम मैं 1 रुपये का लॉस करूं। यानी सेम मॉनेटरी गेन या लॉस के लिए जहां मैग्नीट्यूड सेम है, मेरे को हैप्पीनेस और जो मेरी सैडनेस है वो बराबर नहीं मिल रही, मेरी सैडनेस ज़्यादा होती है मेरी हैप्पीनेस से। ये आमतौर पे आपने भी ट्रेडिंग करते हुए या जो भी ट्रेडर्स हैं वो इससे परिचित हैं। यानी जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा दुखदायी होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट, अगर साइकोलॉजी की हम बात करें तो। ये भी एक इस थ्योरी से ये पॉइंट निकल के आया कि लॉसेस में आदमी जो है वो ज़्यादा दुखी होता है। तो दोस्तों ये किताब में ये 3-4 बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स थे, इसके अलावा पूरी किताब भरी हुई है ऐसे पॉइंट्स से, आप इसको पढ़ें और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस पॉइंट में जाते जाते मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ जो कि मैंने ये किताब 5-7 बार पढ़ी, एटलीस्ट 5-4 बार पढ़ी होगी, तो मैं ये नोट कर पाया और मेरी जिज्ञासा थी तो इसके कारण मैं नोट कर पाया। और वो स्पेशल ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो रिसर्च में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल है और हम ट्रेडर्स के लिए भी यूज़फुल हो जाता है। डेनियल ने इस किताब में मेजर जो चीज़ रखी वो ये चीज़ रखी कि जो हमारा सिस्टम वन है वो बायस्ड हो जाता है। इनफैक्ट प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में भी हमारा जो सिस्टम वन था वो बायस्ड हो गया। अगर हम सोच समझ के
निर्णय लें तो हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि हमें लॉसेस को कट कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने सिस्टम वन से एक्ट किया, यानी सिस्टम वन हमारा बायस्ड हो जाता है। तो जनरली उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारा सिस्टम वन बायस्ड हो जाता है और उस समय हमें सिस्टम टू की हेल्प लेनी चाहिए। तो हम ये इम्प्लीकेशन माइट भी निकाल सकते हैं कि सिस्टम वन हमें भ्रमित कर देता है, हम सिस्टम वन पे रिलाय नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोफेसर्स हुए हैं जो उनके समकालीन भी थे और उनके बाद भी हुए, जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारे सिस्टम वन की इम्पोर्टेंस सिस्टम टू से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी हमारा सिस्टम वन भी उतने ही बेहतरीन निर्णय ले सकता है जितना सिस्टम टू ले सकता है। इनफैक्ट डैनियल कैनमैन ने से एक जो अपने समकालीन प्रोफेसर थे उनसे उन्होंने एक कंपटीशन भी लगाया था और उन्होंने स्टडी भी की थी और फाइनल उसका कॉन्क्लूजन ये आया कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो सिस्टम वन बायस्ड होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन अगर दूसरे एक्टिविटीज़ की बात करें जैसे कि कोई कैरम प्लेयर है, कोई चेस प्लेयर है या कोई एथलीट है, तो वहाँ सिस्टम वन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ सिस्टम वन और सिस्टम टू की लड़ाई चल रही है, तो हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। दोनों को ही हमें देनी चाहिए, लेकिन फाइनली इस किताब के जो प्रीफेस में है, प्रीफेस में डैनियल कैनमैन ने एक बात को एडमिट भी किया कि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उससे ये निकल के आ रहा है कि अगर हम ओवर द रिपीटिटिव हम किसी काम को करते हैं और करते ही चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम, हम उस काम को जब सिस्टम टू से करते जाते हैं तो वो सिस्टम वन को फीडबैक देता है, और जब वो फीडबैक देता है तो कुछ समय के बाद, प्रैक्टिस के बाद, हमारा सिस्टम वन ऑटोमेटिकली उतना ही प्रिसीजन से काम करने लग जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जितना कि हमारा सिस्टम टू करता है। यानी इन दोनों में एक फीडबैक लूप चल रहा है। तो हम ये भी मान सकते हैं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। ऐसे एग्जांपल इंडिया में भी हैं, अब्रॉड में भी हैं। तो उनकी अगर हम लाइफ को देखें, उनकी हम सक्सेस को देखें, तो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एक ही फॉर्मूले को पकड़ा। अगर वॉरेन बफे की बात करें तो उनकी दो तीन पर्टिकुलर मेथडोलॉजी है, वो उन्हीं के एक्सपर्ट हैं। वो इतनी, उन्होंने कई बार कहा कि ये जो मॉडर्न फाइनेंस की इतनी बड़ी बड़ी थ्योरियाँ हैं, रिस्क अवर्जन है और ये पोर्टफोलियो थ्योरी है, ये सब मेरे को पता ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छा पैसा कमाया क्योंकि जो उनके रूल्स हैं वो टेस्टेड हैं टाइम से, और उन्होंने एक बार उसमें दिमाग लगाया, अपने सिस्टम टू को उसमें खपाया, फिर धीरे धीरे उनका सिस्टम टू ने सिस्टम वन को ट्रेन कर दिया, वो बहुत आसानी से वो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि इस किताब में स्टार्टिंग में ही प्रीफेस में डैनियल कैनमैन ने बताया है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो की लेंथ भी बड़ी है, आप इसे बार बार देखें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इस किताब को बार बार पढ़ के अपने ट्रेडिंग में यूज़ करें। कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।